हेलो स्टूडेंट्स, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर शुरू किया हुआ है और उसमें हम जो पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और उसका जो मेरे फर्स्ट ब्रेक था वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बच्चों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दिस इज कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसका मायना क्या है? इसका मतलब है हम कैलकुलेट करेंगे कैश एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका मायना ये है, कैश एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या मतलब? हम एक ऐसा प्रॉफिट बच्चों कैलकुलेट करेंगे जो कैश नेचर का है एंड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से है। मैंने पिछले लेक्चर में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ऊपर बहुत डिस्कशन की थी कि क्या होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उससे जो प्रॉफिट होना है एज वेल एज जो कैश नेचर का प्रॉफिट है उसको कहते हैं कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें कैश का कितना फ्लो आया, कितना कैश जनरेट हुआ, दिस इज कॉल्ड कैश एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये मैंने इसलिए आप इस लेक्चर में बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो टॉपिक है इसके ऊपर बेस्ड है। तो बच्चों, ये हमारे पास आ गया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, मैं इसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। अब इसमें हम ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस which already debited to profit and loss account. वो expenses, वो losses जो non cash and non operating nature के हैं और जो P&L में हमने पहले खर्चा डाल रखा है, खर्चा डालने का मतलब है कि हम profit उससे कम कर चुके हैं, add करने के। क्यों ऐड करेंगे? ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था, क्योंकि हमें चाहिए कैश एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बच्चों, जो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने माइनस किए, इनडायरेक्ट मेथड चल रहा है, हम रिवर्स जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। वो जो एक्सपेंसेस हमने नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं या लॉसेस जो लेस कर रखे हैं, डेबिट कर रखे हैं, वो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, उनको ऐड कर दिया जाएगा। मैं ऐसा करता हूं, इसके दो पार्ट्स बना लेता हूं। पहले तो मैं बात करूंगा नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन से। हाँ जी, आपने ये क्वेश्चन में नहीं बनाना, वैसे नॉलेज पर्पस के लिए पता होना चाहिए, नहीं तो मैं इकट्ठे भी लिख सकता हूँ, बट मैं अलग अलग करके लिखूंगा। नॉन कैश एक्सपेंसेस में एक तो आ गई डेप्रिसिएशन। बच्चों, डेप्रिसिएशन आप लोगों को सभी को पता होगा कि ये हमारी वो एक्सपेंसेस जो है ऑपरेटिंग नेचर का, इसके बिना काम नहीं चल सकता, बट ये नॉन कैश है, ये हम किसी को पे नहीं करते, इससे हमें कैश का कोई इफेक्ट नहीं आता। फिर आती है हमारे पास राइटिंग ऑफ और इसको एक नाम देते हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूं, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, patents, intangible assets you can say, patents, trademarks, copyright, ये हमने write off किए, etc. ये सारी add वाली item मैं inner column में detail में लिख रहा हूँ। ये हमने जो write off किए हैं patents, trademark, ये पता कैसे चलेगा? ये लिखा नहीं होगा, ये actual में value कम हो चुकी होगी। जैसे कि मैं आपको एक शो करके दिखाऊं, आपके बुक की एग्जांपल, ये देखो, जैसे हमारे पास गुडविल है, कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स जो कि कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब है वो राइट ऑफ हो गई। ये देखो जैसे गुडविल है, 2019 में 1 लाख थी, 20 में 80,000 होगी, 20,000 कम होगी तो मतलब राइट ऑफ होगी। डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर है, 10,000 था, निल हो गया, राइट ऑफ हो गया।
तो इस तरह हाँ जी, इसी तरह मैं लिख सकता हूं यहां राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, हमने फिक्टिशियस एसेट्स राइट ऑफ कर, लाइक जैसे कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जैसे मैं अभी अभी मैंने दिखाया आपको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कॉमा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इस तरह की फिक्टिशियस एसेट्स हमने राइट ऑफ कर। ठीक है जी, ये अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स और ये राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, ये भी एड बैक हो जाएगी क्योंकि नॉन कैश है। नॉन कैश में मैं आपको बता सकता हूं एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर इंक्रीज हो गई, अगर इंक्रीज हो, इफ इंक्रीज, इंक्रीज होने का मतलब समझते हो, हमने और प्रोविजन बनाई, इससे कैश को कोई फर्क नहीं पड़ता। बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स ये भी हमारा नॉन कैश, इससे कैश को कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें पैसे नहीं मिले। इसके अलावा अब मैं कहूंगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ जी, मैं फिर कह रहा हूं आपने ये दो पार्ट्स में नहीं बांटना, आप सीधा सीधा कर सकते हो खर्चे सारे जो है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक ही लिस्ट। मैं सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए आपको बता रहा हूं। इसमें आ गया इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और लोन्स। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और लोन्स। बच्चों अब मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं, कुछ जरा सुन लेना ध्यान से। जैसे ये देखा 10% डिबेंचर्स, ओपनिंग 2:10 है, क्लोजिंग 3:10 है, अगर कुछ ना बताया जाए साइलेंट बस खत्म। तो बच्चों जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ना 10%, ये 10% कम हम करेंगे ओपनिंग पर, हम ओपनिंग पर कैलकुलेट करेंगे, मतलब 21,000। ये देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 21,000 ऐड किया गया है, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब बच्चों कुछ बातें ध्यान से सुनना, इसका मतलब हमने अज्यूम किया ये जो इंक्रीज हुए ना 1 लाख और इशू किए, ये साल के एंड में किया, 31 मार्च 2020 को किए, मतलब पूरा साल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी रही 2:10। ये अजम्पशन होती है, ये हमारी बुक में ये अजम्पशन ली जाती है 2:10 ओपनिंग पर कैलकुलेट करना है। अब अगर मान लो चाहे इंक्रीज हो यो, चाहे डिक्रीज हो यो, ओपनिंग पर ही कैलकुलेट करना है, ओपनिंग पर कैलकुलेट करना है। अब अगर हम कहें एक साइड नील हो जाए, एक साइड नील मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं देखना आपको शो करने के लिए, आपके पास ना डिबेंचर कुछ इस तरह से दे रखे हैं, 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स 31/3/20, 31/3/19, यहां है हमारे पास 150 और यहां है नील। तो बच्चों अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उस केस में इसका जो इंटरेस्ट लेना है वो भी फिर नील ही लेना। अगर दोनों में एक तरफ नील है, जैसे मैं कह लूं चलो 10% डिबेंचर्स ओपनिंग, ये एक केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया, इंडिपेंडेंट बना रहा हूं, यहां 2 लाख है यहां नील है, कुछ नहीं बताया गया तो इंटरेस्ट नील। चलो एक केस और लेता हूं, मान लो 10% डिबेंचर्स यहां 2 लाख है यहां 3 लाख है, मतलब 1 लाख इश्यू कर दिए तो इंटरेस्ट ओपनिंग पर, बट नो, यहां मैंने एक एग्जांपल वो चेंज करता हूं, मान लो वो कहे डिबेंचर्स इश्यूड, जो 1 लाख के इश्यू किए डिबेंचर इश्यूड ऑफ ₹1 लाख एज ऑन 1 अक्टूबर 2019, मतलब हमने ये जो 1 लाख के डिबेंचर इश्यू किए 1 अक्टूबर 2019 को किए, इसका मतलब ये है कि 6 मंथ्स 2 लाख के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग रहे, 6 मंथ्स मतलब, अब इंटरेस्ट मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स
अच्छा बच्चों, ये ध्यान से समझने वाला पॉइंट है इंटरेस्ट का। पहले तो मैंने बताया ओपनिंग पर कैलकुलेट करना है, अगर एक तरफ नील है तो इंटरेस्ट नील, अगर दोनों तरफ अमाउंट है तो ओपनिंग पर ही करना है। अगर साथ में दिया होगा डिबेंचर जो इशू किए, 2 लाख से 3 लाख हो गए, 1 लाख जो इशू किए एज ऑन फर्स्ट, कोई भी डेट हो सकती है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे? इसका मतलब 1/4/19 से 30 सितंबर 2019 तक डिबेंचर 2 लाख ही रहे, 2 लाख का 10% 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स ये 10,000 इंटरेस्ट बनेगा। फिर 1/10/19 को हमने इशू कर दी, 1/10/19 से लेकर 31 मार्च 2020 तक ₹3 लाख हो गए फिर, ठीक है ना, 1/10/19 को 3 लाख हो गए, हमने 1 लाख और इशू कर दिया, 10% 6 मंथ्स का, तो 15,000, इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 25,000। इस केस में यहाँ 25,000 इंटरेस्ट है। तो ये कब होएगा? जब डेट इशू की बताई गई है, नहीं बताई गई फिर चुप करके ओपनिंग पर लगा देना, फिर ओपनिंग पर डेट बताई गई तो उस हिसाब से। ये रिडम्पशन के केस में भी ऐसे ही होगा, रिडम्पशन मतलब वापिस कर दिया। ओके, तो ये मैं समझा रहा था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का टॉपिक। अब इसके बाद मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कुछ एक्सपेंसेस में और जो है वो एड बैक करूंगा, तो उसमें है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट को बेच के जो हमें लॉस हुआ, ये बच्चों हमारा नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, ये क्योंकि रूटीन में तो होता ही नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स को बेचना हमारा रूटीन का काम नहीं है। इसके अलावा यू कैन से अगर हमें नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस की बात हो रही है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम पर रिडीम करने हैं प्रेफरेंस शेयर, तो वो भी यहां पर हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये आएगा नहीं पॉइंट, अगर आया तो याद रखना। अभी ये एक्सपेंसेस की बात हो रही थी जो हमने एडबैक कर लिए, अब बच्चों बात होगी इनकम्स की, तो थोड़ा सा तो समझ रखते हो, अगर एक्सपेंसेस हमने ऐड किए हैं तो इनकम्स जो हमने पहले ऐड कर रखी हैं, जो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग है, वो क्या करेंगे लेस, तो हम लेस करेंगे, ये देखना, लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है जी, एक्सपेंसेस ऐड कर देने हैं जो पहले लेस कर रखे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ऑलरेडी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमने पीएनएल को क्रेडिट कर रखे हैं इनकम्स, जो नॉन कैश है नॉन ऑपरेटिंग है या दोनों में से एक चीज है, वो हम क्या करेंगे लेस कर देंगे, जो ऐड कर रखी है प्रॉफिट बढ़ा रखा है उसको कम कर देंगे। इसको भी मैं दो पार्ट्स में चलो बांटता हूं, पहले बात करते हैं नॉन कैश इनकम्स कौन सी, नॉन कैश इनकम्स उसमें मैं लिख सकता हूं जैसे डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर कम हो गई हमारी इनकम है, बट नॉन कैश, इससे कैश को कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है जी, इससे कैश को हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह कोई लाइबिलिटी राइट ऑफ कर दी हमने, लाइबिलिटी हमें देनी नहीं पड़ी, लाइबिलिटी रिटर्न ऑफ, तो उससे भी हमारे कैश को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो नॉन कैश इनकम है इनकम हमारी। और फिर मैं कहूँ तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, मतलब ये बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बिलोंग जो नहीं करती, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, उसमें मैं लिख सकता हूँ जैसे कि, अजी मैं एक बार बात बता दूँ, ये जो हम ऐड कर रहे थे ना सारे एक्सपेंसेस, इसका जो टोटल आएगा वो हम आउटर कॉलम में प्लस कर देंगे,
ऊपर वाली जो ये आई थी ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम उसमें प्लस कर, और इनकम जो हम इनर कॉलम में लिखे हैं इसका टोटल माइनस करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग में जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें इंटरेस्ट मिला, ये मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, बट एक शर्त है, अगर ये फाइनेंस कंपनी हो फिर ये ऑपरेटिंग है, फिर नहीं आएगी। कुछ नहीं बताया तो नॉन फाइनेंस, फाइनेंस स्पेशल कहेगा। इसी तरह डिविडेंड और एंड रेंट रिसीव्ड हो गया हमें, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है, पर अगर फाइनेंस कंपनी है या इन्वेस्टमेंट कंपनी है फिर ये ऑपरेटिंग है, वो स्पेशल कहेगा। नॉर्मल ये माइनस वाली आइटम्स है। इस तरह प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को बेच के प्रॉफिट हो गया, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है। फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स को बेच के प्रॉफिट हो गया, तो बच्चों ये नॉन ऑपरेटिंग है। और इसी तरह आप लिख सकते हो बस मेन बेसिक से इनकम्स हमारी यही है, तो इसका जो टोटल आएगा इनकम्स का वो हम आउटर कॉलम में जाके माइनस करें, क्योंकि इनकम्स क्या कर रहे हैं, लेस, पहले ऐड की है, प्रॉफिट बढ़ा रखा है उसको कम कर देंगे, इतना करके जो आएगा इसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स। मतलब ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, अभी मैं कैश नहीं इसको कहता, कैश वर्ड नहीं यूज करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट्स अभी हमने करनी है। हाँ जी, वर्किंग कैपिटल में हम लेते हैं करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, तो बच्चों यहां पर एड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में अगर डिक्रीज है तो वो ऐड करें, करंट एसेट्स में डिक्रीज मैं आपको शो करके दिखाऊं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, ये देखो ट्रेड रिसीवेबल्स हमारी करंट एसेट्स है, 220 से 230 बढ़ गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस से भी करंट एसेट्स है 60 से 40 कम हो गई, तो कम हो गई तो ऐड होगी, बढ़ गई तो लेस होगी, उल्टा चल रहा है, मतलब इंक्रीज लेस डिक्रीज ऐड। बच्चों मैं बताता हूं कि करंट एसेट्स कौन कौन सी, मैं यहां लिख दूं, चलो पहले एक बार मैं पूरा लिख लूं, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अच्छा, करंट एसेट्स सारी नहीं, मैं 5 तरह की करंट एसेट्स बताऊंगा जो एडजस्ट होनी, ये लेस, और हम डिटेल देंगे, हम करंट जैसे ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक हो गया, इनकी डिटेल लिखनी है, डिक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, कुछ जैसे। तो करंट एसेट्स में क्या क्या, करंट एसेट्स में क्या क्या, तो करंट एसेट्स इंक्लूड एक तो इन्वेंट्री, स्टॉक जिसको कहते हैं, उसकी इंक्रीज है, समझ गए हो ना, इंक्रीज जैसे 19 में 1,00,000 है, फिर 1,20,000 हो गया, 20,000 इंक्रीज, लेस कर देंगे, अगर डिक्रीज है तो ऐड कर देंगे, इन्वेंट्रीज, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स। हाँ जी, इन दोनों को हम एक नाम देते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, दोनों डेटर्स एंड बीआर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड accrued income, बस जी इन्हीं एसेट्स को डील करना आपने, accrued incomes जो मिलनी है, और किसी करंट एसेट्स को नहीं देखना, इन्हीं करंट एसेट्स को, मैं बताऊंगा भी क्यों होता है ये, इन्हीं को क्यों करते हैं, बट अभी फॉर्मेट चलने दो, और डिक्रीज है तो ऐड, इंक्रीज है तो लेस, डिक्रीज इन करंट एसेट्स जैसे डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन बीआर है तो लेस, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, इंक्रीज इन अक्रूड इनकम्स को लेस। फिर ऐड करेंगे हम इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज,
करंट लाइबिलिटीज की इंक्रीज जो है वो ऐड करेंगे और लेस करेंगे। लाइबिलिटी मतलब सीधी चलेगी, सच्ची बात बताऊं पूरे चैप्टर में ऐसे होगा। लाइबिलिटी की जब भी इंक्रीज है तो ऐड, डिक्रीज लेस। एसेट की इंक्रीज लेस तो डिक्रीज है, एसेट उल्टा चलना है और लाइबिलिटी सीधी चलनी है। लेस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी ऐड, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी लेस। ठीक है जी, अब मैं बताऊं करंट लाइबिलिटी में क्या क्या। मैं ऐसा करता हूँ, ये जो मैंने नोट बनाया था इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, जो मैंने इंटरेस्ट का नोट बनाया था। हाँ जी, यहां पर लिखने जा रहा हूं करंट लाइबिलिटीज में क्या। तो चार चीजें आती हैं जी करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड कौन कौन सी करंट लाइबिलिटी एडजस्ट करेंगे जो हम इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी डिक्रीज इन। इसमें एक तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जिनको एक कंबाइंड नाम दिया जाता है ट्रेड पेबल्स। कंबाइंड मतलब दोनों को जोड़ के जो हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रेड पेबल्स। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बस। और चार करंट लाइबिलिटी के अलावा किसी करंट लाइबिलिटी को यहां एडजस्ट नहीं करना। तो बच्चों ये जो नेट फिगर आएगी इन चारों की, चारों को समझ रहे हो, करंट एसेट्स की इंक्रीज डिक्रीज, करंट लाइबिलिटी की इंक्रीज डिक्रीज, वो हम यहां प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, वो करके जो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा जी। यहां हम फिर एक ब्रेक देंगे, ये हमारा थर्ड ब्रेक है। यहां तक जो प्रॉफिट आ जाएगा उसको हम कहेंगे कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें फिर हम जो टैक्स है वो लेस करेंगे, लेस टैक्स पेड, जितना हमने पेड किया। और बच्चों अगर याद करो मैंने एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की बात करी थी, तो हमने करंट ईयर जो मेड थी वो ऐड की थी। तो बच्चों अगर लास्ट ईयर की जो दे रखी है वो फिर हम लेस करेंगे। ये देखो जैसे यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर का 15,000 है, करंट ईयर का 10,000 है। तो यहाँ ये मानेंगे कि लास्ट ईयर वाली हमने पे कर दी, हमने ऐड की थी करंट ईयर वाली, और लेस करेंगे लास्ट ईयर वाली। तो प्रीवियस ईयर वाली जो है वो माइनस करेंगे, प्रीवियस ईयर वाली माइनस। वो कहेंगे कि पिछले साल जो प्रोविजन बनाई थी इस साल हमने पे कर दी। ठीक है जी। अच्छा इसमें एक याद रखना है, जितना टैक्स पेड है ये नेट फिगर लेनी है। नेट का मतलब क्या, टैक्स पेड। कई बार आपको टैक्स से कुछ रिफंड भी आया होता है तो वो उतना माइनस कर देना है, माइनस टैक्स रिफंड। ये जो नेट टैक्स पेड आएगा ये वाला माइनस करना है, नेट टैक्स पेड। ठीक है, ये माइनस करेंगे जितना हमने नेट पे किया। और एक हमें जो इंश्योरेंस से क्लेम मिला था ना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के लॉस के कारण, वो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। जो हमें क्लेम मिल गया था वो कैश आया बच्चों, स्टॉक की मतलब के फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक के लॉस के कारण जो हमें नुकसान हुआ था उसका जो क्लेम मिला था ऊपर हमने माइनस किया था, यहाँ प्लस करें। और इतना करके जो हमारे पास आएगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है।
तो उसको हम कहेंगे नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. और इस तरह से ये हमारा एक स्टेप यहां खत्म हो जाता है, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. इसके लिए मैं एक काम करता हूं, आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊं, एक इलस्ट्रेशन जिसमें ये ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स आ जाएं. ये मैं इलस्ट्रेशन 28th जो मैंने दिखाई थी वही कर लेते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सारा करना है. जनरल रिजर्व है, सरप्लस का बैलेंस है, डिबेंचर्स है, ट्रेड पेबल. मैं आपको बता दूं हमारी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है. ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को इग्नोर करना है, गुडविल राइट ऑफ अगर डिक्रीज हुई है, मशीनरी जो है वो अगर डिक्रीज हुई है तो डेप्रिसिएशन मानेंगे, कुछ नहीं लिखा. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो हमारी इनकम है, वो इंटरेस्ट भी हम किस पर कैलकुलेट करेंगे, फिर ओपनिंग पर, वो भी ओपनिंग पर कैलकुलेट करेंगे. इन्वेंट्रीज हमारी करंट एसेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऊपर नॉन कैश एक्सपेंसेस में आ जाएगी, और ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स, डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर राइट ऑफ किया ये ऊपर आ जाएगा. तो देखना मैं ये थोड़ा सा फॉर्मेट आपको बना के बताऊं, एग्जांपल नंबर 28th जो मैं कर रहा हूं, देखना. स्टेटमेंट कैलकुलेटिंग कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. आज इसमें जो फॉर्मेट हमने कुछ ऐसे बनाया था, पर्टिकुलर्स डिटेल रुपीस अमाउंट. अजी अब मैं प्रॉपर पूरा शुरू से करके एंड तक पहुंचूंगा. इसमें पहले क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, हमेशा क्लोजिंग से शुरू करना है जो हमारी इस साल के एंड की है. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस क्वेश्चन में है 70,000, इसमें से लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस. ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस बच्चों 60,000 या माइनस करेंगे, बट तो पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. समझ रहे हो, हम करेंगे ना 70,000 माइनस माइनस 60,000 क्या आ जाएगा, 70,000 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 60,000, ये करके 130 आ जाएगा. तो ये हमारा करंट ईयर्स प्रॉफिट होएगा. इसका मतलब इस साल में इतना प्रॉफिट हुआ और सरप्लस इतनी हुई है 31, जिसे हमारा पिछला लॉस 60,000 जो था वो खत्म होके 70,000 का प्रॉफिट आ गया. फिर इसमें प्लस करेंगे, मैंने बताया था डिविडेंड रिजर्व्स टैक्स, इसको ऐसे याद कर लो DTR, डिविडेंड टैक्स रिजर्व्स, डिविडेंड टैक्स रिजर्व्स. इस क्वेश्चन में डिविडेंड कोई नहीं है, इस क्वेश्चन में टैक्स कोई नहीं है, इस क्वेश्चन में रिजर्व्स है, जनरल रिजर्व वो फिर ऐड होगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये याद रख लेना DTR, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्योंकि जनरल रिजर्व देखो बढ़ गया, 1,00,000 था 1,50,000 हो गया जनरल रिजर्व, 50,000 जो इंक्रीज है दैट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. वो
ऐड करके जो प्रॉफिट आएगा 180, इसको मैं कहूंगा हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये सारा लिखना है। फिर इसमें ऐड करेंगे हम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो हमने ऊपर फॉर्मेट पढ़ा है ना, वो इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही आना है। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में गुडविल कम होगी, एक तो 20,000 के साथ गुडविल रिटर्न ऑफ वो ऐड हो जाएगी, गुडविल रिटर्न ऑफ एमोटाइज्ड 20,000 रुपये। एक देखो मशीन की वैल्यू ना कम होगी, 5,00,000 थी तो 4,60,000 रह गई। तो मशीन की वैल्यू अगर कम हो रही है तो हम अज्यूम करेंगे मशीन की वैल्यू कि ये डेप्रिसिएशन के कारण, तो डेप्रिसिएशन जो है वो फिर ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। दिस इज 40,000 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। इसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स देखना बढ़ गई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,00,000 से 1,50,000 हो गई, ये भी ऐड होगी। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी, और हमने प्रोविजन बनाई ये नॉन कैश, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और ये इंक्रीज हुई 50,000। फिर एक हमारा ये देखना डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, दिस वन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये राइट ऑफ हो गया, 10,000 था नील हो गया, तो ये भी हमने एक्सपेंस डाला होगा, ये भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ 10,000। और एक मैंने बात करी थी इंटरेस्ट की, उसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो 10% किसका करेंगे ओपनिंग का 210 का, तो ये भी ऐड होएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। बच्चों ये फॉर्मेट जो है ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर करके आपके ग्रिप में आएगा कि कौन कौन सी आइटम कहाँ कहाँ जानी है। अभी तो हम एक पार्ट पर है, दो पार्ट अभी और पड़े हैं इसके, ये हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, इसके बाद इन्वेस्टिंग है, फिर फाइनेंसिंग है, दो एक्टिविटीज है, फिर चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो हमें ढूंढनी पड़ेंगी कौन कौन सी आइटम्स है, वो एक्सपीरियंस आपको आएगा क्वेश्चंस कर करके। तो ये आइटम्स ऐड वाली होगी मेरे ख्याल से 1,00,041,000 और ये प्लस करेंगे एक्सपेंसिस है और इनकम्स लेस non cash and non operating incomes, जो हमने पहले ऐड कर रखी है जिससे प्रॉफिट बढ़ा रखा है उसको कम कर देंगे, ठीक है जी। उसमें एक तो आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी हम फिर 10% जो कैलकुलेट करेंगे वो किस पर कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग पर, 60,000 का 10% 6,000 ये माइनस करेंगे, बस इनकम एक ही है, और इतना करके जो हमारे पास आ जाएगा दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और ये आ जाएगा अपने पास 3,15,000। अब हम वर्किंग कैपिटल, तो मैंने करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी ढूंढ रखी है, ट्रेड पेपल में ये करंट लायबिलिटी है,
हाँ जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हमारे पास अब आती है करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स की जो चेंज है। तो ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है और ये बढ़ गई, ट्रेड पेबल्स हमारे बढ़ गए तो ये प्लस होंगे, प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, इंक्रीज करंट लायबिलिटी की इंक्रीज प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल जो है 11 लाख, ये प्लस, चलो ऐसे लिख लेते हैं। और फिर इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्री करंट एसेट्स और ये भी इंक्रीज हुई है तो ये माइनस, करंट एसेट्स उल्ट चलती हैं तो माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। और इन्वेंट्रीज में जो इंक्रीज है 60 से 245 होगी तो 1,85,000, ये माइनस। और एक और है ट्रेड रिसीवेबल्स और ये भी इंक्रीज हुए 10 लाख से 21 लाख तो ये भी माइनस, माइनस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 11 लाख, ये माइनस। इतना करके आ जाएगा कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1,30,000, 1,30,000। और इसमें से लेस टैक्स पेड, जितना पे किया वो है नहीं, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज नेट कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हमारा पहला आंसर होएगा इस एक्टिविटी का, ये आंसर है। तो बच्चों इसके साथ रिलेटेड जो इलस्ट्रेशंस है वो होगी आपकी अप टू 34 तक इलस्ट्रेशंस। और बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो होंगे अप टू 22 तक, 22 तक क्वेश्चंस होंगे जी, और 34 तक इलस्ट्रेशन होंगी। ये फिर आपकी प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करूंगा जैसे जैसे आती जाएंगी। और ये एक्टिविटी सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, हाँ जी ठीक है। और इसके बाद फिर हमारे पास शुरू हो जाता है बाकी दो एक्टिविटीज, वो हम करेंगे बाद में जी। तो प्रॉब्लम्स आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू।